हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी। चलिए बनाना सीखते हैं कि घर में कैसे बनाई जाएगी। तो चलिए हम घर में घी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये हमने ले लिया है मलाई जो हमने कलेक्ट करी थी, एक पतीले में ले लीजिए। साथ में हमें चाहिए होगी थोड़ी सी दही कर्ड, ये इसलिए ताकि हम इसको इसमें मिक्स कर सके। कर्ड को मलाई में मिलाना है और ओवरनाइट छोड़ देना है, क्योंकि मलाई जितनी ही खट्टी हो जाएगी उतनी ही अच्छी आपकी घी बन पाएगी। आइए इसमें कर्ड मिला लेते हैं। अबाउट 2-3 चम्मच कर्ड मिला लीजिए। इसको प्रॉपरली इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, अब इसको प्रॉपरली हमने कर्ड को मलाई के साथ मिला लिया है। अब इस पतीले में जिसमें हमने मलाई रखी है उसको ढक के आप साइड रख दीजिए एटलीस्ट ओवरनाइट या उससे ज्यादा। जितनी ही ये खट्टी हो जाएगी उतना अच्छा आपकी घी बनेगी। ओवरनाइट इसको रखने के बाद आइए देखते हैं ये कितनी अच्छे से जम गई है और प्रॉपर खट्टी हो गई, जैसी इसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए इसको खूब अच्छे से मथ लेते हैं ताकि हमारा मक्खन खूब अच्छे से निकल आए। ये देखिए, मक्खन प्रॉपरली निकल गया है। हमने इसको बहुत अच्छे से मथ लिया है, लगभग 10 मिनट लगे हैं इसमें। और अब इसमें पानी डाल देते हैं और ये हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है जिससे कि मक्खन इस पतीले में चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये पानी डालने के बाद फिर से इसको प्रॉपरली आप मिला लीजिए। अब इसमें से आप मक्खन निकाल करके एक कढ़ाई में डाल दीजिए और मट्ठे को साइड में, जो लिक्विड पोर्शन है यानी कि मट्ठा, उसको उसी में रहने दीजिए। मक्खन निकाल लीजिए इसमें से इस तरह से। ये देखिए, ये इतना मक्खन निकल गया है। अब इससे हम घी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और साथ में देखिए, इतना मट्ठा निकल के हमारा तैयार हो गया है। और ये मट्ठा बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। आप ऐसे भी इसमें जीरा वगैरह डाल के खा सकते हैं, या तो इसका ढोकला, कढ़ी, इडली, कोई भी चीज बना सकते हैं। देखिए, हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब ये घी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको आप थोड़ी देर तेज आंच पे रखिए ताकि ये मक्खन थोड़ा सा पिघल जाए। उसके बाद फ्लेम को धीरे कर लीजिए, अपने बाकी काम करते रहिए और साथ में आपकी घी भी बन। ये देखिए, पूरा मक्खन प्रॉपरली अब पिघल गया है। अब आप फ्लेम को धीरे कर दीजिए और घी को पकने दीजिए। थोड़े थोड़े टाइम पे हल्का स्टर दे दीजिएगा। गाइस, देखिए घी बन के तैयार हो गई है हमारी। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और थोड़ी देर साइड में रख के इसको ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हम किसी जार में पलट नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर हम एक ग्लास जार में इसको पलट लेंगे। ये देखिए, घी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। हमने इसको जार में भर दिया है और अब आराम से अपने बच्चों को खिलाते रहिए। तो देखा गाइज आपने, आप घर पे भी आसानी से देसी घी बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। गाइज, प्रेफरेबल हमेशा यही रहता है कि बच्चों को घर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स ही हम दें, तो इसलिए देसी घी भी घर पे ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और घी बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं आपको बताऊं, आप इसको बच्चों को कभी खिचड़ी में, कभी दाल में,
कभी दाल चावल के साथ मिक्स करके, कभी दलिया में, अलग अलग फॉर्म में बच्चों को घी दीजिए। एटलीस्ट 2 स्पून्स तो डेली बच्चों को घी देना ही रिकमेंडेड है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ में ये एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है, बोन्स को बहुत स्ट्रांग करता है। तो बच्चों को ऐसे ही हेल्दी खाना खिलाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको और भी हेल्दी रेसिपीज बताते रहें। थैंक यू गाइज़।